हेलो दोस्तों वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर डेरिवेशन देखने वाले विथ वेरिएबल गेन तो सबसे पहले मूव करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग या फिर टू ऑपेम्प अब देखिए दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो है ये जनरली रहता है एक डिफरेंस एम्पलीफायर इसीलिए इसके सर्किट में इंक्लूड रहेगा एक डिफरेंस एम्पलीफायर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सर्किट है यहाँ पर इनपुट दोनों टर्मिनल्स को यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एज वेल एज इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया है इसीलिए ये डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किट है जिसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने दिया है वोल्टेज V1 और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसका जो वोल्टेज है वो रहता है कास्केड वोल्टेज जो कि आता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से यानी हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग डुएल ऑफ एम्स एक ऐसा सर्किट है जिसमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो डिफरेंस एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक कास्केडेड आउटपुट है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और डिफरेंस एम्पलीफायर का जिसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट है इसको हमने कहा है वन और जो डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट है जो वो हमारा मेन आउटपुट है VO अब सबसे पहले हमें ये आउटपुट वोल्टेज यानी नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल का नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज वन यहां पर कैलकुलेट करना है तो ये VO1 जो है ये है नॉन इनवर्टिंग आउटपुट इसीलिए इट इज गिवन बाय 1 plus upon into अब ज है यहाँ पर और है वो दैट इज वी टू तो ये हो गया आउटपुट ऑफ ए टू अब ए वन जो है यह है एक डिफरेंस एम्पलीफायर तो डिफरेंस एम्पलीफायर का जो आउटपुट रहता है दोस्तों हमें कैलकुलेट करना पड़ता है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम

ये सबसे पहले बन जाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट अब इनवर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट क्या रहता है तो माइनस आर एफ अपॉन आर आई इन टू वी इन माइनस आर एफ की जगह पर है मल्टीप्लाइड बाई वी ओ वन वी ओ वन की जो वैल्यू है हम यहाँ पर से यहां पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा इट इज माइनस आर टू आर वन टाइम्स 1 प्लस आर फोर अपन आर थ्री टाइम्स वी टू तो ये हो गया आउटपुट ऑफ वी 0 1 अलोन ओके तो ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम का पहला स्टेप अब सुपरपोजिशन थ्योरम का दूसरा जो पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे दूसरी प्रोसेस करेंगे जिसमें हम ये वाला जो टर्मिनल है दैट इज इनवर्टिंग टर्मिनल इसको ग्राउंड कर देंगे और V1 को कंसीडर करेंगे तो द आउटपुट ऑफ A1 ड्यू टू V1 अलोन एंड वी ओ वन ग्राउंडेड

अब सुपर पोजिशन में हम क्या करते हैं ये दो जो वोल्टेजेस है एंड एडिशन करेंगे तो आउटपुट वोल्टेजन वी बाई वीओ डैश प्लस वी ओ डबल डैश अब डैश और वी ओ डबल डैश की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा अब हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है तो उसमें यहाँ पर हमें एक अजम्पशन करना पड़ता है अजम्पशन में हम क्या करेंगे तो यहां पर हम पुट करेंगे सबसे पहली कंडीशन आर फोर इज इक्वल टू आर वन तो पुट आर फोर इक्वल टू आर वन एंड सेकंड जो पुट करेंगे ये पुट करेंगे हम आर थ्री इक्वल टू आर टू अब ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है अब इसमें हम चेंजेस क्या करते हैं देखिए ये जो है हम सबसे पहले तो इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ये माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं ये हो जाता है ये, तो प्लस अब आर फोर के जगह पर हम क्या पुट करने वाले हैं आर वन पुट करने वाले हैं तो आर फोर के जगह पर हमने आर वन पुट कर दिया आर थ्री की जगह पर आर टू पुट कर दिया है और मल्टीप्लाइड बाय आर टू अपॉन आर वन मल्टीप्लाइड बाय v2 प्लस ये जो है ये ब्रैकेट है वन प्लस आर टू ओपन आर वन मल्टीप्लाइड बाईन अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आर वन आर वन का कैंसिल आर टू आर टू कैंसल, कैंसल यानी ये हो जाता है वन और विथ आगे निगेटिव साइन है तो माइनस वन प्लस आर टू ओपन आर वन मल्टीप्लाइड बाय बायू प्लस वन प्लस आर टू ओपन आर वन मल्टीप्लाइड बाय वी वन अब ये देख सकते हैं आप कि ये ब्रैकेट सेम है तो यहां पर से अगर हमने इसे कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाता है वन प्लस आर टू ओपन आर वन वी टू के साइड निगेटिव है प्लस वी वन तो ये माइनस वी टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो इसलिए हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है इट इज टू V2. अब आप देख सकते हैं ये है एक मल्टीप्लीकेशन माइनस वी टू से तो हम जनरली कहते हैं कि ये डिफरेंस एम्पलीफायर है तो ये हो गया एम्पलीफायर का गेन तो V1 वन प्लस आर टू अपन आर वन इज गेन एंड V1 वन माइनस वी टू इंडिकेट्स इट इज द डिफरेंस एम्पलीफायर तो ये हो गया इसका डेरिवेशन एडवांटेजेस जो है वो है हाई इनपुट रेजिस्टेंस, लो आउटपुट रेजिस्टेंस एंड थर्ड एडवांटेज जो है कि हम यहाँ पर सी एम आर आर मैक्सिमाइज कर सकते हैं साथ में अनबैलेंस भी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग आर थ्री विथ वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी जो आर थ्री था उसको प्रीवियस सर्किट में जो आर थ्री था उसको अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस रख देते हैं कोई भी ट्रिमर या फिर पोटेंशियोमीटर तो हम यहाँ पर CMR, को भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और अनबैलेंस को भी रिड्यूस कर सकते हैं तो नेक्स्ट जो है वो है आई एल ऑप्स विथ वेरिएबल गेन अब देखिए दोस्तों वेरिएबल गेन अगर हमें इस सर्किट में करना है हमारा बिल्कुल सर्किट वही रहेगा जिसमें R4 और R1 सेम था और R2 और R3 की वैल्यू यहाँ पर सेम थी यह है विथ फिक्सड गेन अब इसमें इस इसमें अगर हमें वेरिएबल गेन करना है तो हम हमें क्या करना पड़ता है ये पॉइंट जो है और ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हम कुछ इस तरह से लगा सकते हैं अगर हम इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस लगा देते हैं वेरिएबल रजिस्टेंस आर जी तो फिर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इट इज गिवन बाय प्लस आर टू अपॉन आर वन प्लस टू टाइम्स आर टू अपॉन आर जी टाइम्स वी वन माइनस वी टू यहाँ पर देखिए अब अगर हम आरची वेरी करते हैं तो गेन यहां पर वेरी होगा अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग थ्री ऑपन देखना है तो आप कंटिन्यू करके वीडियो नेक्स्ट वीडियो यहां पर देख सकते हैं